दिसंबर 2018 के फैसले में लिखी हुई थी। तो ये मध्य प्रदेश के खरगोन जिला मुख्यालय की आदर्श नगर कॉलोनी में रहवासियों को पीने के पानी और नालियों की नगर पालिका अमले द्वारा नियमित साफ सफाई नहीं होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर के आदर्श नगर में पीने के पानी की समस्या और नालियों की साफ सफाई को लेकर रहवासियों को परेशानियों को पिछले 10 साल से सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ पानी की टंकी की हालत खस्ता हो रही है और ना ही टंकी की समय समय पर साफ सफाई हो पा रही है। कॉलोनी में पानी की सप्लाई के लिए जो ट्यूबवेल थी उसमें भी पानी नहीं आ रहा है। ऐसे में कॉलोनी वासियों ने नगर पालिका अधिकारियों को समस्या बताई तो उन्होंने कहा कि आगामी समय में नई पाइपलाइन आने से ही समस्या का निराकरण हो सकेगा। वहीं कॉलोनी वासियों का कहना है कि पानी, सड़क और नाली को लेकर नगर पालिका द्वारा जन भागीदारी से राशि जमा करने का कहा गया था, जिसे लेकर कॉलोनी वासियों ने एक बड़ी राशि नगर पालिका में जमा की जा चुकी है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। काफी आपकी कॉलोनी में पिछले 10 साल से हमारी कॉलोनी में आदर्श नगर में जल की समस्या है। कई सालों से लोग बाहर से भी पानी ला रहे हैं और कई दिनों से परेशान हुए। पहले भी नगर पालिका जनप्रतिनिधियों सीएमओ साहब से सबसे चर्चा हुई। उन्होंने कहा था जन भागीदारी से कुछ पेमेंट जमा करें आप लोग, और हम लोगों ने लगभग बड़ा अमाउंट भी जमा किया जन भागीदारी से। उसके बाद भी आज गंदा पानी पीने के लिए कॉलोनी के लोग त्रस्त हो रहे हैं। पानी भी इतना गंदा है कि अगर आप उसको देखें तो उसको पी भी नहीं सकते, इसलिए रात की 10 बजे ये लोग पानी देते हैं। जैसा वैसा पानी भरो और चले जाते हैं। शहर में पानी के लिए एटीएमओ की व्यवस्था की गई है, आरओ वाटर दिया जा रहा है, लेकिन आपको पानी नहीं मिल रहा है। आरओ वाटर पीने का पानी 10 लीटर नहीं, घर को चलाने के लिए खाना बनाना है, बर्तन धोना है, कपड़े धोना है और पूरा घर चलाना है, उससे क्या एटीएम से पानी यूज़ करें हम। पानी की समस्या तो हमारे यहाँ दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पानी टाइम बेटाइम भी मिल रहा है और 2-3 दिन में मिल रहा है, और यहाँ का आपने अभी देखा कि वो टैंक पूरा ख़राब हो गया है, उसकी भी कोई अभी। तो क्या आपने नगर पालिका अध्यक्ष से या किसी जनप्रतिनिधि से बात की? आवेदन बनाया है और अभी हम आवेदन देने जा रहे हैं। उसके पहले भी शिकायत करी है, लेकिन कोई सुनवाई होती नहीं है। क्यों सुनवाई नहीं हो रही आपकी? पता नहीं क्या है, वो तो बताते हैं कि आपके यहाँ तो बड़ी योजना आएगी, तभी सब काम होंगे, अभी तब तक कुछ नहीं होगा बोले। कौन सी बड़ी योजना? योजना के बारे में बताते रहते हैं कि वो जब भी आपके कॉलोनी में सब काम होंगे, इसके अलावा अभी कुछ नहीं होगा बोले। जलावर्धन योजना अगर 6 साल पूरी नहीं हुई तो क्या? तो तब तक बस वही परेशानी करते रहो, कॉलोनी के लोग वही परेशान हो रहे हैं। कोई नहीं आता साहब, यहाँ बार बार परेशान कर रहे हैं। जो कॉलोनाइजर ने यहाँ पानी की व्यवस्था करके गया है, वही स्रोतों से यहाँ पानी मिल रहा है। ना पानी का प्रेशर मिल पाता है कॉलोनी वालों को, ना किसी प्रकार की तकलीफ, इतनी तकलीफ हो रही पानी की। रोज यहाँ से हैंडपम्प पे पानी ला रहा है, कोई टैंकर बुला रहा है, अपने हिसाब से पानी का काम चला रहा है। नगर पालिका की लाइनें आसपास सब कॉलोनी में हो गई हैं, लेकिन हमारे यहाँ कॉलोनी में ना नगर पालिका की लाइन है, ना ड्रेनेज का कोई सिस्टम है। नालियों का पानी भी इस कदर होता है, किचनों के अंदर वापस रिवर्स मार जाता है। वो पानी एक जगह इकट्ठा होता है, इकट्ठा होने के बाद वापस रिवर्स होने लग जाता है, उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं करी। मध्य प्रदेश के